मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आपका जो चैप्टर हम कर रहे थे लेसन 3 पार्ट्स ऑफ अ प्लांट, उसमें हमने देखा था कितनी तरह के प्लांट्स होते हैं। अब हम प्लांट्स के पार्ट्स के बारे में डिस्कस करते हैं। पार्ट्स ऑफ अ प्लांट, प्लांट के किस कौन कौन से अंग होते हैं, पार्ट्स होते हैं, ठीक है। जस्ट लाइक डिफरेंट ऑर्गन्स ऑफ आर बॉडी परफॉर्म डिफरेंट फंक्शंस, प्लांट ऑल्सो हैव डिफरेंट पार्ट्स दैट कैरी आउट वेरियस एक्टिविटीज ऑफ अ प्लांट। जिस तरह से मनुष्य के शरीर में अलग अलग ऑर्गन्स जो हैं, अंग जो हैं, अलग अलग काम करते हैं, उसी तरह पौधे के अंदर भी उसके अलग अलग पार्ट्स होते हैं जो अलग अलग काम करते हैं, ठीक है। लाइक ह्यूमन बॉडी, प्लांट्स भी उसी तरह अलग अलग पार्ट जो है उनका अलग अलग फंक्शन परफॉर्म करता है। अब प्लांट कैन बी डिवाइडेड इंटू टू पार्ट्स, प्लांट्स जो हैं वो टू पार्ट्स में डिवाइड होते हैं। आप पिक्चर में देखिए, इधर ये वन पार्ट इधर दिखाया हुआ है और वन पार्ट ये है, ठीक है। चलिए अब इनके बारे में पढ़ते हैं। द पार्ट ऑफ अ प्लांट विच ग्रोज बिलो द ग्राउंड इज कॉल्ड द रूट, जो ग्राउंड के नीचे होता है, बिलो मतलब नीचे, जमीन के अंदर जो पार्ट होता है प्लांट का, उसको क्या कहते हैं, उसको कहते हैं रूट्स, जड़ें, ठीक है। द पार्ट विच ग्रोज अबव द ग्राउंड इज कॉल्ड द शूट, और जो प्लांट जो है, बाकी का हिस्सा प्लांट का जो हमें नजर आता है, जो ग्राउंड से ऊपर होता है, ठीक है, अबव मतलब ऊपर होना, जमीन के ऊपर होता है, उसको क्या कहते हैं, शूट। इट कंसिस्ट ऑफ द स्टेम, ब्रांचेस, लीव्स, फ्लावर्स एंड फ्रूट्स। और ये क्या क्या होते हैं इसमें, इसमें क्या क्या होते हैं, आप देखिए यहाँ साइड जो पिक्चर है, शूट में क्या क्या दिखाया हुआ है आपको, फ्लावर्स, ब्रांचेस, फ्रूट्स, स्टेम एंड लीव्स, ठीक है, ये सब होते हैं इसमें। नेक्स्ट देखिए रूट्स, इसके बाद एक आपको फिगर दी गई है, उसमें आपने क्या करना है, अलग अलग पार्ट्स आपको शो किए हुए हैं उनको लिखना है, जिस तरह से मैंने लिखा हुआ है कि बर्ड कौन सी है, कहाँ पे ब्रांचेज हैं, फ्रूट और रूट्स, ये सब आपने नोट डाउन करना है अपनी बुक में, जिससे कि आपको मदद मिले प्लांट को समझने की। चलिए नेक्स्ट देखते हैं रूट्स, रूट्स मतलब जड़ें। द रूट्स ऑफ मोस्ट ऑफ द प्लांट्स ग्रो बिलो द ग्राउंड, जो प्लांट्स की रूट्स होती हैं कहाँ होती हैं, जमीन के नीचे होती हैं ज्यादातर, ठीक है। दे कैन बी ऑफ टू टाइप्स, टैप रूट्स एंड फेब्रस रूट्स, ठीक है, इनकी भी दो तरह की रूट्स होती हैं, एक होती है टैप रूट्स और एक फाइब्रस रूट, फाइब्रस रूट। द सिंगल मेन रूट दैट ग्रोज फ्रॉम द लोअर एंड ऑफ द स्टेम ऑफ अ प्लांट इज कॉल्ड टैप रूट, जो एक मेन रूट होती है, जैसे कि आप फिगर में देखिए, एक ये मेन रूट जा रही है कहां पर, जमीन के नीचे, और उसके बाद वो स्मॉल स्मॉल जो है पार्ट्स में डिवाइड हो रही है, देखिए छोटी 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 निकल रही है ना इसमें से और रूट्स, तो उसको क्या कहते हैं, टैप रूट्स कहते हैं। इट बियर्स सर्वल स्मॉल रूट्स, और इसमें से बहुत सी छोटी छोटी जो हैं रूट्स निकलती हैं, जड़ें निकलती हैं, जैसे कि बीन्स की, मस्टर्ड की, ये सब जो है टैप रूट्स के, एक इनके प्लांट्स जो होते हैं वो एग्जाम्पल होते हैं, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, अ नंबर ऑफ टाइनी रूट्स ग्रोइंग फ्रॉम द एंड ऑफ द स्टेम आर कॉल्ड फेब्रस रूट, जो कि ग्राउंड के नीचे स्टेम के साथ ही जो है अलग अलग भागों में, ये देखिए देख छोटी 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 अलग अलग निकली हुई ना, कोई मेन रूट नहीं है इसमें, ये सब छोटी 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 छोटे अलग अलग हैं, वो क्या कहलाती है, फेब्रस रूट्स कहलाती हैं, ठीक है। प्लांट्स लाइक ग्रास, वीट, अनियन एक्सेट्रा हैव फेब्रस रूट्स, और ये जो प्लांट्स हैं इनकी कौन सी रूट्स होती हैं, फेब्रस, जैसे कि ग्रास है, वीट है, गेहूं, अनियन, प्याज, इनकी रूट्स फेब्रस रूट्स होती हैं। नेक्स्ट है फंक्शंस ऑफ रूट्स, क्या क्या फंक्शन होते हैं रूट्स के, क्या क्या काम करती हैं रूट्स। इट फिक्सेस द प्लांट फर्मली इन द सॉइल, ये मिट्टी में प्लांट की जो, प्लांट को जो है वो जकड़ के रखती हैं, फिक्स करके रखती हैं, ठीक है। इट एब्जॉर्ब वाटर एंड मिनरल्स फ्रॉम द सॉइल, और ये पानी और खनिज पदार्थ उनको मिट्टी से एब्जॉर्ब करती है, सोखती है, ठीक है, पौधे के लिए। सम रूट्स स्टोर फूड प्रिपेयर्ड बाय द प्लांट, और कुछ रूट्स क्या करती हैं,
जो खाना बनाया जाता है प्लांट्स के थ्रू, उनको स्टोर करके रखती है। वी ईट रूट्स ऑफ सच प्लांट्स लाइक कैरेट, रेडिश, टर्निप एक्सेट्रा। और वो जो है, जब वो कलेक्ट हो जाता है, वो किसकी फॉर्म में बदल जाता है? उस तरह के रूट्स जो कलेक्ट करती हैं खाना, उस तरह के पौधे कौन कौन से होते हैं? कैरेट होती है, टर्निप होता है, जितने भी जमीन के अंदर उगने वाले जो हैं खाने की चीजें होती है ना, जो प्लांट्स के नीचे जमीन के अंदर से निकाल के हम खाते हैं, वो सब क्या होते हैं? वो रूट्स के अंदर जो वो भोजन को स्टोर करके रखती हैं, तो उससे बनते हैं, जिसकी रेडिश, कैरेट और टर्निप। ठीक है, नेक्स्ट है स्टेम। स्टेम क्या होता है? तना। द स्टेम इज द मेन पार्ट ऑफ द शूट। और जो मेन पार्ट है तना किसका? शूट का। ठीक है, शूट में सबसे ऊपर जो जड़ों के बाद सबसे ज्यादा जो पहले नजर आता है वो क्या होता है? स्टेम होता है। ठीक है, इट बियर्स अदर पार्ट्स ऑफ द प्लांट लाइक ब्रांचेस, लीव्स, फ्लावर्स एंड फ्रूट्स। और इसमें ऊपर जाके क्या क्या पार्ट्स होते हैं? फ्लावर्स होते हैं, लीव्स होते हैं, फ्रूट्स होते हैं, इस पे ही अटैच होते हैं, इससे ही अटैच होते हैं। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल ट्री हैव अ हार्ड स्ट्रॉन्ग एंड वुडी स्टेम कॉल्ड ट्रंक। और अगर आप एग्जाम्पल के तौर पे देखें तो पिक्चर में देखिए ट्रंक दिखाई हुई है ट्री की। जब ये स्टेम बहुत ज्यादा मोटी और जो है उसमें वुड की लेयर ज्यादा होने लग जाती है और स्ट्रॉन्ग जो है हो जाती है, तो वो क्या बन जाती है? ट्रंक बन जाती है। ठीक है, उसको ट्रंक कहते हैं। श्रब हैव थिक स्टेम, और श्रब की जो है वो थिक स्टेम होती है। मैंने आपको बताया था ना लास्ट लेसन में, जब हम कर रहे थे लास्ट क्लास में, मैंने आपको समझाया था कौन से जो है श्रब्स होते हैं, कौन से हर्ब्स होते हैं, कौन से क्लाइंबर्स और क्रिपर्स होते हैं। तो हर्ब्स की जो होती है वो सॉफ्ट एंड थिन, पतली और मुलायम स्टेम होती है, और क्लाइंबर और क्रिपर्स की जो है वो भी सॉफ्ट और वीक, कमजोर जो है स्टेम होती है, इसीलिए उनको जो है सहारे की जरूरत होती है क्लाइंबर्स को। ठीक है, और क्रिपर्स जो है वो जमीन पर ही होते हैं, इसीलिए वो सीधे नहीं खड़े हो सकते। ठीक है, फंक्शन ऑफ द स्टेम। स्टेम के क्या क्या फंक्शन है? इट होल्ड्स द प्लांट अपराइट एंड स्ट्रेट। स्टेम जो है पौधे को सीधा और जो है ऊपर की तरफ सीधा खड़ा रखती है, उसको मजबूती देती है। ठीक है, वो उसको सहारा देती है। इट बियर्स अदर पार्ट्स ऑफ द प्लांट ब्रांचेज, लीव्स, फ्लावर्स एंड फ्रूट्स। और ये और पार्ट्स जो हैं उनको इसके साथ जुड़े होते हैं। कौन कौन से? जैसे कि ब्रांचेज हैं अलग अलग, और लीव्स हैं, पत्तियां हैं, फ्लावर्स हैं और फ्रूट्स हैं। नेक्स्ट, इट कैरीज वाटर फ्रॉम द रूट्स एंड फूड फ्रॉम द लीव्स टू वेरियस पार्ट ऑफ द प्लांट। ये क्या करती हैं? जड़ों से पानी को पहुंचाती है प्लांट्स तक। ठीक है, और जो खाना है प्लांट्स जो प्रिपेयर करता है खाना, उसको अलग अलग पार्ट्स में पहुंचाती है पेड़ के, पौधे के। सम प्लांट्स स्टोर फूड इन द स्टेम, फॉर एग्जाम्पल शुगर कैन। और कुछ जो है प्लांट्स अपने स्टेम में भोजन को स्टोर करके रखते हैं खाने को, और उसमें से एक एग्जाम्पल क्या है? शुगर कैन। ठीक है, आज हम इतना ही करेंगे। इसके जो मैंने आपको डिफिकल्ट वर्ड्स बताए हैं उनको आप अंडरलाइन कर कर उनको लिखिएगा, और इस लेसन को दोबारा से, अब तक जितना हम पढ़ चुके हैं स्टेम तक, उसके फंक्शंस भी हमने आज किए हैं, वहां तक दोबारा से रीड आउट करिएगा। और इसके साथ मैं आपको इसके क्वेश्चन आंसर सेंड कर रही हूँ, उनको आपने नीट एंड क्लीन नोट डाउन करना है और याद भी करना है। ये देखिए, व्हाट आर द डिफरेंट टाइप्स ऑफ प्लांट्स। प्लांट्स के अलग अलग टाइप्स बताने और उनके एक एक एग्जाम्पल भी बताने आपको। ठीक है, फिर है व्हाट इज रूट। रूट क्या होती है? मैंने आपको समझाया था ना अभी अभी कि जो पार्ट जो है ग्राउंड के अंदर होता है, और जो है ग्राउंड के अंदर जो है प्लांट का जो पार्ट होता है उसको क्या कहते हैं? रूट। और स्टेम के फंक्शंस अभी अभी मैंने आपको बताए हैं, स्टेम के फंक्शंस। तो थ्री फंक्शंस आपने लिखने हैं। ओके, इनको आप नीट एंड क्लीन नोट डाउन करिएगा। और साथ में ये जो मैंने आपको पेज पे बताया था कि फ्लावर के अलग अलग पार्ट्स का नेम लिखना है, इसको भी आपने नोट डाउन करना है। ठीक है, इसकी मैं पिक नहीं भेजूंगी, मैं सिर्फ क्वेश्चन आंसर्स की पिक भेजूंगी। इसको आप ऊपर देखिए, ऊपर पिक्चर दी हुई है ना, उसमें सब कुछ बताया हुआ है कौन सा पार्ट क्या है, उसमें से देख के, उसकी हेल्प से आप इसको करोगे। ठीक है,
आज के लिए बस इतना ही, थैंक यू।